नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंस्टेंट जानकारी में। अगर चैनल पे आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड में वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। वैकेंसीज है आपकी, यहाँ पे देख सकते हो आप, सीरियल नंबर 1, पोस्ट कोड आपका JC12021, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसीज है। टोटल 120 वैकेंसीज है दोस्तों, ठीक है। अगर ग्रेड जो पे स्केल की बात करें, ग्रेड थर्ड है 26,690, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जूनियर असिस्टेंट क्लर्क कम ऑपरेटर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, 12वीं पास होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम, साथ में आपके पास 6 मंथ का कम से कम कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट, एंड शुड बी आपको MS वर्ड, MS ऑफिस आपको यूज करना आना चाहिए। अगर वैकेंसीज की बात करें, SC कैटेगरी की 8 वैकेंसीज है, ST की 14 है, OBC नॉन क्रीमलेयर की 32 है, EWS की 12 है और जनरल कैटेगरी की 54 वैकेंसीज है। दोस्तों, हाउ टू अप्लाई की बात कर लेते हैं, कैसे आप अप्लाई कर पाओगे। तो आपको वेबसाइट पे आना है oilindia.com, यहाँ पे वेबसाइट आप देख सकते हो oilindia.com। करंट ओपन न्यू सेक्शन में आप 1 जुलाई से, आप यहाँ पे देख सकते हो 1 जुलाई से आप अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट 15 अगस्त रहेगी, ठीक है। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा और आपको पूरी डिटेल इसको पढ़ लेनी है, ठीक है। और एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं, इसमें आपकी जो फ़ी रहेगी जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये है, ठीक है। और SC ST EWS या पर्सन विद बंचमार्क डिसेबिलिटी एक्सेस में कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आपको वेबसाइट oilindia.com पे आपको विजिट करना होगा, वहाँ से आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट को। आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, ठीक है, कैसे आपको क्या क्या सिलेबस रहेगा। दोस्तों, आगे उससे पहले आपसे बात कर लेते हैं एज लिमिट क्या करेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी एज मैक्सिमम 30 ईयर्स, SC ST से मैक्सिमम 35 ईयर्स, OBC से 33 ईयर्स होनी चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ओनली दोज कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉल्ड फॉर CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। द सिलेक्शन प्रोसेस सेल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका, जहाँ पे एक SC ST कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाइंग मार्क रहेंगे, मार्क्स रहेंगे 40%, ठीक है, और 50% फॉर अदर्स कैटेगरी के लिए रहेंगे, ठीक है। SC ST और भी बंच मार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट को 40 और जनरल और अदर कैंडिडेट्स को 50। जो कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप करेंगे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा, विल कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन होंगे, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस भी सम क्वेश्चन ऑयल इंडिया लिमिटेड, बी में रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी, सी में आपका रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज इन द कोर्स कुरिकुलम डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट। अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल असेस द कैंडिडेट ऑन द फ्लोइंग पैरामीटर्स, ठीक है। तीनों पार्ट्स रहेंगे आपका, जो लास्ट पार्ट रहेगा आपका 60% का रहेगा, बाकी दो आपके 20-20% करेंगे, टोटल 100% करेगा। जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है, और उसके बाद इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में होगा, तो 2 घंटे का पेपर रहेगा आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, इन द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन इफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मार्क्स मोर देन 1 कैंडिडेट आर सेम, यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरसी मेरिट। उसके बाद डॉक्यूमेंट की बात करें, डॉक्यूमेंट आपके फिर वेरिफिकेशन रहेगा, ये प्रोसेस रहती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आए, और चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और जो अप्लाई करने से पहले आप ये डिटेल नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू।